चक्कू कहाँ है? पता नहीं भीम, पर वो जानता है कि हम सैर पर जाने वाले हैं। अब तक तो उसे आ ही जाना चाहिए। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं भीम? जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो दोस्तों। दरवाजा खुला है, मतलब जग्गू घर पर ही है। ये क्या है? पता नहीं, पर जो भी है जग्गू के घर से ही लटक रहा है। चलो जल्दी चलकर देखते हैं। पर मुझे तो आराम करना है। नहीं नहीं, बस करो। तालिया, लगता है इस पूंछ को तुम बहुत पसंद आए। ठीक है, मैं मदद करूंगा। प्लीज मुझे छोड़ो। जग्गू, क्या तुम जानते हो कि वो बाबा किस तरफ गए हैं? बाबा से मिलकर उनसे माफी मांगते हैं और इस समस्या का हल पूछते हैं। अब और कितनी दूर चलना पड़ेगा? 1, 2, 3, 4 पूछ पकड़ते चलो यार, बाबा जी के पास चलो, गीत गाते बार बार। वो रहे बाबा। तुम फिर से मेरी तपस्या भंग करने आ गए? क्या चाहते हो मुझसे? मैं जग्गू का दोस्त भीम हूँ। जग्गू से गलती से आप पर केला गिर गया था, वो आपको परेशान नहीं करना चाहता था। ठीक है जग्गू, मैंने तुम्हें माफ किया, पर इस पूंछ को छोटी सिर्फ एक केला कर सकता है जो घने जंगल के अंदर एक सुनहरे पेड़ पर मिलेगा। उसे छूते ही जग्गू की पूंछ वापस छोटी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। भीम, वहाँ देखो, शायद ये वही पेड़ है। और याद है जब भीम ने डाकू मंगल सिंह को हराया था? हाँ हाँ, भीम ही है ढोलकपुर का असली हीरो। भीम हीरो? दोस्तों जीरो। जीरो? तुम दोनों को तो मैं। ओहो, ठीक ही तो कह रहे हैं ये दोनों। भीम हमेशा जीत जाता है और तुम्हारी होती है हार। अरे जग्गू, मैं जीतने के लिए ढोलकपुर की रक्षा नहीं करता। पर फिर भी उस्ताद हार जाते हैं। याद है जब भीम ने पहली बार उस्ताद को कुश्ती में हराया था? और फिर लड्डू खाने के मुकाबले में भी उस्ताद भीम से कितनी बुरी तरह हारे थे। क्या करूं मैं? गोल गोल घूमती हूँ, गोल रानी हूँ, सालों से गोल गोल घूम रही हूँ, थक गई हूँ। अगर कोई मुझसे ये जूते मांग ले तो मैं आजाद हो जाऊंगी। गोल गोल रानी को मारा किसने? लगता है तूफान। हा
मेरे कुएं में पत्थर फेंके? कौन है तू? कालिया, माफी। कालिया, तुम सबसे खास बन सकते हो, सबसे अलग। वो कैसे गोल रानी? मेरे जादुई जूते से। चाहिए तुम्हें इतनी ताकत? पैसे? बस कालिया, सबको परेशान करना बंद करो। कालिया, मैं कालिया नहीं, गोल उस्ताद हूँ। ये सब हुआ कैसे? भीम, उस गोल रानी ने मुझे बेवकूफ बनाया। कालिया, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, है ना भीम? को